हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश वुमेन राइटर तोरू दत्त। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट में पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ ताकि फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट है समझने में आपको आसानी रहे। तो तोरू दत्त ऐसी पर्सनैलिटी थी, मतलब जो आज हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इस सेंचुरी में, तो सोचो ये ब्रिटिश पीरियड में उस चीज को इन्होंने प्रूव किया था। मतलब बहुत ही कम एज में, शी वॉज अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड जब इन्होंने अपनी पहली बुक या पहला अपना लिटरेरी वर्क को पब्लिश किया था। तो ये वो पीरियड था जब विमेन एम्पावरमेंट नाम का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो इनका इतना टैलेंटेड होने के पीछे, इतना सक्सेसफुल होने के पीछे उनकी फैमिली भी एक्चुअली है, क्योंकि इनका जो पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली एडुकेटेड थी, पूरी की पूरी फैमिली राइटर्स थे, पूरे राइटर की फैमिली थी। इनकी मदर राइटर थी, इनके फादर राइटर थे, इनकी सिस्टर राइटर थी। सो तोरू दत्त वॉज अ बंगाली ट्रांसलेटर एंड पोएट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। वो फ्रेंच में क्यों लिखी है ये हमको आगे चल के पता चलेगा। She is among the founding figures of Indo-Anglian literature. तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो की तरह ये भी एक एंग्लो इंडियन थी। She belonged to writer family. Father was employee of the government of India, linguist and also published some poems. Her mother loved Hindu mythology and translated the book The Blood of Christ into Bengali. This small family was a happy family but was disrupted with the death of Abju at the age of 14. So the Abju was youngest children among three. सबसे पहले Abju, फिर Aru, फिर उसके बाद थी तोरू। तो अब्जू के डेथ के बाद दत्त फैमिली 4 years तक कलकत्ता में रहे। उसके बाद ये लोग फ्रांस चले गए और वहाँ पे सेटल हो गए। तो जब ये लोग फ्रांस गए थे तो तोरू यंग एज की थी, इसीलिए फ्रेंच सीखना उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया और उसने मास्टर्स किया उस लैंग्वेज में, और इस वजह से उसने कई सारे बुक्स जो है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी। नाउ लेट्स सी हर लिटरेरी वर्क। तोरू जब 18 ईयर्स की थी तब उन्होंने पहला अपना लिटरेरी वर्क को पब्लिश किया था। तो जो पहला वर्क था वो था ऐसे, और ऐसे किस पर था, तो दो पर्सनालिटी जो कि मिक्स ओरिजिन के थे, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जिनके बारे में आपको पता होगा, ये एंग्लो पोर्चुगीज ओरिजिन के थे जो इंडिया में बॉर्न हुए थे। फिर दूसरे थे लिकॉन्टिलील, जो कि मिक्स ओरिजिन के थे, मिक्स रेस के थे और मॉरिशियस में बॉर्न हुए थे। तो कहीं ना कहीं तोरू भी अपने आप को वैसा ही फील करती थी, मिक्स ओरिजिन का फील करती थी, क्योंकि उन्होंने, वो इंडिया में बॉर्न हुई थी और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है फ्रांस और इंग्लैंड में स्पेंड किया था, तो इसलिए वो भी उनकी तरह ही अपने आप को समझती थी, इसलिए उनसे इंस्पायर्ड होके उन पर उसने ऐसे लिखा था। सो तोरू स्टार्टेड पब्लिशिंग हर वर्क व्हेन शी वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। हर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज एसेज ऑन हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो एंड लिकॉन्टिलील अपीयर्ड इन बंगाली मैगजीन्स इन 1874। तो ये दोनों ही ऐसे कहां पे पब्लिश हुई थी, बंगाली मैगजीन में। डेरोजियो वाज ऑफ एंग्लो पोर्चुगीज डिसेंट एंड बॉर्न इन इंडिया, while Lecontelil was of mixed race and born in Mauritius. The multinational and interracial background of these poets were of interest of Toru, who herself felt a mix of national influence both as an Indian Christian and during her time abroad. तो वो क्यों इन लोगों से इंस्पायर्ड हुई थी, क्योंकि वो खुद भी एक इंडियन क्रिश्चियन थी, उन्होंने बैप्टाइज कर लिया था खुद को, और साथ ही साथ ये ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना एब्रॉड में स्पेंड की थी। तो पहला लिटरेरी वर्क क्या हुआ, ऐसे। अब दूसरा क्या है, इनका नॉवल। सो फर्स्ट नॉवल विच शी रोट वॉज ली जर्नल दी मैडम वुजॉयल दी ऑर्वर्स, एंड सेकेंड वॉज बियानका और द यंग स्पेनिश मैडन। तो बियानका और द यंग स्पेनिश मैडन जो है इनकम्प्लीट रह गया था इनके अनसर्टेन डेथ के वजह से। तो शी रोट हर फर्स्ट नॉवल इन फ्रेंच विच इज टाइटल्ड एज द जर्नल दी मैडम वुजॉयल दी ऑर्वर एंड देन बियानका और द यंग स्पेनिश मैडन। बियानका और द यंग स्पेनिश मैडन रिमेन्स इनकम्प्लीट ड्यू टू हर यंग एंड अनटाइमली डेथ। इनका अचानक से डेथ हो गया था, उस वजह से इनका ये नॉवेल जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। बोथ ऑफ दिस नॉवेल सेट आउटसाइड द इंडिया विद नॉन इंडियन प्रोटैगनिस्ट। तो ये दोनों ही नॉवेल के टाइटल को याद रखने के लिए आप 2 से 4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए लिख लिख कर, तो आपको याद हो जाएगा ये। अब इनकी लिखी हुई पोइट्री को देखते हैं। तो इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री था उसका टाइटल था A Sheaf Gleaned in a French Field। तो ये जो पूरा वॉल्यूम था पोएट्री का वो फ्रेंच पोएम पे बेस्ड था। तोरू दत्त और उनकी जो सिस्टर आरू है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस पोएम को, पूरे कलेक्शन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो 1876 में साप्ताहिक संबद्ध प्रेस में पब्लिश हुआ था। लेकिन बिगनिंग में इस पोएम के कलेक्शन ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं गेन किया था। इसके पीछे 3 रीजन थे। एक तो वो प्रीफेस नहीं था उसके अंदर, दूसरा जो पेपर की क्वालिटी थी वो बहुत लो थी, और तीसरा जो पब्लिशर था वो ज्यादा नोन नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। फिर इस पोएट्री को
एडमंड गोस ने एग्जामिन किया, उसको समझे, फिर उसके बाद ये पोएट्री जो है अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। डिस्पाइट बिगनिंग हर लिटरेरी करियर विद प्रोज, तोरू दत्त इज नोन फॉर हर पोएट्री। हर फर्स्ट कलेक्शन अशीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड वॉज अ वॉल्यूम ऑफ फ्रेंच पोएम दैट शी एंड हर सिस्टर आरू ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1876 बाय साप्ताहिक संबंध प्रेस, दिस कलेक्शन ऑफ पोएट्री अर्न तोरू सम रिकॉग्निशन एज अ यंग एंड राइजिंग पोएट। At first, her collection was not hit because it lacked preface, one was printed on low quality paper and publisher was little known. However, in 1877, the poetry collection gained publicity after it was favorably examined by Edmund Gosse. Sadly, Toru did not live to see her success and died at age of 21. तो बहुत ही कम एज में इनका डेथ हो गया था, ये सिर्फ 21 years की थी। तो इसीलिए बहुत सारे बुक्स जो है इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। Her book of poetry named Ancient Ballads and the Legends of Hindustan, a collection of translation and adaptation from Sanskrit literature, was published posthumously in 1882. मतलब उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। Apart from these, her more popular poems include Sita, उनका और भी बहुत सारे poems थे, Sita, The Lotus, Lakshman, Our Casuarina Tree, Tree of Life and Batu. तो जब बटू पब्लिश हुआ था तो उनके एक रीडर थे हरिहर दास, वो इसे पढ़ के इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि उनको तोरू के बारे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो इसके लिए वो उनके फैमिली में गए, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाया, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही तोरू का बायोग्राफी लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक। इन स्पाइट ऑफ हर अनटाइमली डेथ, Toru Dutt remains an exemplary poet and her work are widely regarded as being among the best Indian English writing. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।